सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बात आपसे करनी थी, इसी उद्देश्य से ये छोटा सा वीडियो बनाया गया है। सभी छात्र छात्राओं से उनके लिए एक संदेश है। इस समय हम जिस महामारी को झेल रहे हैं, पूरा देश हमारा डटकर उसका मुकाबला कर रहा है और सभी जो हमारे शीर्ष नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इस समस्या का समाधान भी हो सके और देश को फिर से पुनः विकास की गति पर लाया जा सके। इस दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य, तो इसीलिए सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि सभी छात्र छात्राओं का पूरा सहयोग करें जिससे वो अपने इस ऑनलाइन शिक्षण कार्य में कुछ सीखने में उनको गति मिल सके और अच्छी तरह से वो सीख सके। छात्रों का, जितने भी ऑनलाइन पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उन सब का, हमारे जो अभिभावक बंधु हैं, उस सभी उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि मनोबल बढ़ाने से उनकी जो सोच होगी वो सकारात्मक रहेगी और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जैसा सोचेंगे बच्चों के साथ, हम जैसी बात करेंगे तो उनकी सोच को भी वही दिशा मिल जाएगी और वैसा ही उनके साथ काम होने लगेगा ऑटोमेटिक। एक छोटी सी कहानी बड़ी प्रेरणाप्रद है। एक बार बगीचे में दो बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते वो पेड़ पर चढ़ गए। दो अभिभावक भी वहीं बैठे थे और उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे टहनी को पकड़े हुए लटके हुए हैं। तभी एक अभिभावक ने चीख कर कहा, बेटा गिर जाएगा। दूसरा अभिभावक था, उसने भी अपने बच्चे को देखते हुए उसने भी वही सवाल लगाया, बेटा कसके पकड़े रहना। हुआ क्या, जिस अभिभावक ने बच्चे के, जिस पिता ने ये कहा कि बेटा तुम गिर जाएगा, वास्तव में बालक गिर गया, और जिसने अपने बच्चे से कहा बेटा कसके पकड़, नहीं गिरेगा, और वे क्या हुआ, वो नहीं गिरा और वो बालक, उसकी कोई चोट नहीं लगी। तो ये छोटी सी कहानी सुनाने का एक ही प्रयास था, एक ही संदेश इसलिए हमने आपको दिया क्योंकि आप लोग बच्चों के साथ सकारात्मक रहें, उनके साथ नकारात्मक विचार ना प्रस्तुत करें। अगर वो ऑनलाइन होकर, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो उनको सीखने में उनका सहयोग करें और उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन उनको देने का प्रयास करें। क्योंकि हम, अगर बालक हमारा ऑनलाइन पढ़ रहा है, बच्चा ऑनलाइन सीख रहा है और उसके सीखने सिखाने में अगर आप निगेटिविटी पैदा करेंगे, निगेटिव विचार उसके सामने रखेंगे तो वो जरूर हतोत्साहित होगा और उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। बात इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये जो समस्या है देश के साथ कोरोना वाली, ये हो सकता है लंबे समय तक हमको इस समस्या से संघर्ष करना पड़े और इस संघर्ष की घड़ी में अगर हम ये मान के चलेंगे कि ये कोरोना की महामारी है, इससे हमको जल्द छुटकारा मिल जाएगा और जब छुटकारा मिल जाएगा तभी हम आगे की पढ़ाई या कुछ नया शिक्षण कार्य, कुछ सीखने सिखाने का कार्य तभी शुरू करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा हमको मिसगाइड होना पड़ सकता है। तो इसीलिए समस्या का संघर्ष करते हुए लगातार बच्चों के साथ आप कोऑपरेट करिए, बच्चों को सहयोग दीजिए, ऑनलाइन होकर पढ़ रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से,
लैपटॉप के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, इस तरह से वो सीख रहे हैं। तो उनके सीखने सिखाने में उनका पूरा सहयोग करिए। इसी संदेश के साथ धन्यवाद।